नाश्ता कराते हुए अजनबी का। दिमाग खराब करती है लड़की, खाती नहीं है। देख चूड़ी पहनेगी अब, ये से चूड़ी पहनेगी। एक चम्मच नहीं खाएगी, इसके पीछे 10 घंटा से घूम रहा हूँ। यही तो है बचपना, इसी में तो मम्मी आप वेट कम कर लेती। अब एक एक करके उनको बिनना पड़ रहा है। वैसे भी बिन दो तो कितना बदमाश हो गई है यार, मेरा दिमाग खराब करके रख दी है। वैसे भी मम्मा का हेल्प कर दो, करते रहो साफ करते रहो। आप कितना शांत तो है वो, क्या चाहिए तो कितना शांत बैठी है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता है इसलिए आपको शांत दिख रही है। थोड़ा साफ से भी काम कर पाएंगे ना, अब तब जाके समझ में आएगा। थोड़े दिन बाद करेगी वो भी, उसमें क्या है। देखो ये कैसे पेंट पहना है, आधा पेंट कहाँ, पेंट तो आधे पहना हुआ है। तो पेंट कहाँ पहनाने दी, हाथ से बिजली पड़ा गिरा दिया। है है, अब चुनेगी तुमको हेल्प करेगी। देखना चोट ना लग जाए, बेचना भी माथा पटकेगी। हमसे ज्यादा तेज इसका चुटकी चलता है, इसको ले जाएगी बाहर तो काम नहीं करने देगी। मुंह में गलती निकल गए। और यहाँ पे देखिए अंकल को, अंकल वैष्णवी को ले रखे हैं, पापा का भी पता ही नहीं है। मैं रेडी होके आ गई हूँ, पता नहीं इसमें से दिख रहा है साइड लाइट की वजह से। लेट पैसेंजर बोलते हैं लड़कियों को लेट होता है, यहाँ तो लड़कों को ही लेट होता है। सब जानते हैं, कितने भी वीडियो तो देख चुके हैं सर, कि आप लेट करते हैं ना। नहीं रखना था, नहीं रखा, तुम रखे थे, नहीं रखना था। दस तो यही बजा दिए, बताइए। तो यहाँ पे मैं ब्लाउज़ सिलने के लिए दी हूँ, जहाँ पे मैं देती हूँ जिस डिज़ाइनर के यहाँ उनका शॉप बंद है क्योंकि वो शादी में गए हुए हैं इस वजह से, तो ये मैं किसी दूसरे के यहाँ आई हूँ देने के लिए। याद आया कुछ देख के, एकर शॉप दोसर जगह है, देखो देखो। हम आए थे मान्यवर, मान्यवर से शॉपिंग हो चुका है, शॉपिंग पहले कर लिए थे, फिटिंग करने दिए थे, तो फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, इसकी वजह से उन्होंने बोला 1 आवर और लग जाएगा, तो 1 आवर वेट करना होगा। तब तक हम लोग जा रहे हैं गाउन देखने, वो भी ट्रायल करना पड़ेगा और देखते हैं वहाँ का कैसा फिटिंग है। यहाँ का तो हो गया है, उन्होंने ट्राई कर लिया, सब कुछ ठीक था, अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा छोटा लग रहा था, इस वजह से थोड़ा सा उन्होंने कर देते हैं। ये रहा मान्यवर में, तो लहंगा इतना मस्त लग रहा है कि क्या बताऊं। बिटिया रानी वहाँ, हम दोनों यहाँ, आजा आजा आजा। पूरा देख रहे, एक लंबी लाइन लगी हुई है गाड़ियों का। धूप तो इतनी खत्म ना हो, अचार सूख जाए इतनी धूप में। कैसा लग रहा था पहनने के बाद आपके ऊपर, बताइए तो आप भी तो बताइए। तो अंदर से ठीक ही लग रहा था, चलो ज्यादा कंफर्ट लग रहा था ना, दिखने में तो ठीक लग रहा था आपके ऊपर। उतना महंगा जो लिए हैं मान्यवर का, क्या हुआ। जहाँ हमने गाउन सिलने के लिए दिया है वो जगह ही हम भूल गए हैं, और ढूंढ रही हूँ मैं कहाँ पे।
कमर्शियल में क्या है ना, इतने सारे कलेक्शन है, इतने सारे, एक लेने के बाद ना मन भी भरता है। किधर है? येलो बोर्ड नहीं दिख रहा है? हाँ वही सामने। अच्छा वही, इसी दो रास्ते में था, कंफ्यूज हो गए थे बस। हाँ वही बोले, रोड के पास में था, अंदर नहीं था। इधर अच्छा है, सब लोग। फाइनली मिला तो है, लेकिन अभी वो भी कंफर्म नहीं, किसी शॉप वाले ने बोला कि उस साइड है। अब जस्ट अपोजिट आ गया, वही हम बोले कि रोड के जस्ट बगल में ही था, बस इस साइड लेफ्ट या राइट में, ये कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? लेकिन यहाँ इतने कलेक्शन है ना, इतने कलेक्शन है रंजीत, एक लेने के बाद ही मन नहीं भरता है ना, लगता है लेते रहो लेते रहो, बस उतनी कमाई होती रहे और उतनी पार्टियाँ होती रहे, तो क्या लेके बक्सा में नहीं रखना है, इस वजह से वो है। फाइनली मिल तो गया, आपको भी दिखाती हूँ हमने कहाँ से करवाया है। ये नाम दिख रहा है वाइल्ड कैट्स करके, ये स्पेशली गाउन के लिए ही है। पूरा ही गाउन 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 गाउन। तो फाइनली हम आ गए हैं गाउन लेने के लिए, अब यहाँ पे गाउन देखते हैं कैसा बन के तैयार हुआ है, बट अंदर इंटर होते ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब देखिए, नीचे पूरा गाउन, ऊपर पूरा गाउन, गाउन ही गाउन। क्या हुआ? दोनों का सेम बनवाई हूँ ना। हाँ चलिए, हम फिर आ चुके हैं वहीं, वाइट का पूरा भंडार, एक से एक कलेक्शन। नीचे बहुत ज्यादा ग्लिटर है ना, उस दिन लेके आई थी ना, पूरा चमचम चमचम करने लग गई थी, तो क्लीन की थी। 2000 years later। जूते ठीक है, हमको लगा छोटा लग रहा है। साइज मिल जाएगा? कैसा है कम्फर्ट ड्रेस? तुमको ये आएगा जो पान ले घूम रही है इसने भी? कैसा लग रहा है पहनने में? ये भी जो है ना सैंडल पसंद है। ये क्या चीज कर रही है? Oh my God, English में जैसा ले घूमती थी। ये दे दो, तुम ट्राई तो करो। पर्स देखिए, कुछ जच ही नहीं रहा है इनको, सब सॉफ्ट पूरा यहाँ से एक पर्स फाइनली कुछ बाहर निकला, ये थोड़ा ठीक है। ज्यादा नहीं पहन पाएगा, ज्यादा नहीं पहन पाएगा, कपड़ों के ऊपर पहना के और भी लूज ही है वो। आराम से यूज कर सकते हैं। इधर नेटेड अब ना फिटिंग में आया, मस्त लगा ना, बन जावे। तो हम फिर से मैकडॉनल्ड आए खाना खाया, यहाँ पे छोटे बच्चों का वो दिया गया चेयर, इसने भी एडजस्ट हो गए। हाँ
आज काफ़ी परेशानी वाला दिन है और थोड़ा बहुत तो सामान ले चुके हैं बट अभी भी मेन मेन चीज़ें बाकी और फिटिंग का ही प्रॉब्लम है तो अभी भी हो ही रहा है। सिर्फ मान्यवर से हम रिसीव करके और डायरेक्ट मान्यवर के बगल में ही मैं लोग तुम खाना खाने के लिए आ गए हैं। ऐसा ही चेयर बोली हूँ, ये ऑर्डर करते हैं इसके साथ टेबल देगा तो मस्त बिस्नवी बैठ के खाएगी। बिस्नवी की चुटिया कैसी लग रही है आज? हमको तस्वीर लग रही है लेकिन ये कि बाल समेटे हुए हैं। खाना ऑर्डर किया हूँ, खाना में बहुत फुल है, कहीं सीट ही नहीं मिला था। हम लोग वेट कर रहे थे, वेट करते करते खाली हुआ तो हम अभी एक सेकेंड लेट करते हैं बैठने में तो वो लोग बैठ जाते हैं। ऐसा था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम चल रही है रेस्टोरेंट में। अब इसने मस्त चेयर दिया छोटे बच्चे, ऐसा ही होना चाहिए। हट गई मतलब थोड़ा सा रिलैक्स फील होता, अभी उछलती रहती, अभी चेयर पे क्या है बैठ गई आराम से। जल्द से खा लो, बहुत भूख लग रही है। कितना टाइम हो रहा है? 2:30 बज रहा है ना, 2:30 से ऊपर हो चुका है। 2:30 से ऊपर हो गया? 2:30 से ऊपर हो गया ना, 2:30 बजने वाला है। 2:30 हुआ था उस टाइम जब तुम देखी ना, 2:30 तक वो क्लोज रहेगा। 2:30 को ओपन हो जाएगा मतलब? हाँ वही तो, 2:30 तक। हाँ नहीं अभी एक ज्वेलरी का शॉप देखी, मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर से, वो क्लोज था इस वजह से हमने शूट नहीं किया। और आज चीज़ें ज़्यादा सूट नहीं कर पा रही, इतनी परेशानी वाली परेशानी क्या बोलूँ। वैष्णवी को फिर भी जो ड्राइवर है हमारे दादाजी अंकल बोल सकते हैं वो देख रेख कर रहे हैं, बट क्या है कि धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा ही परेशान लग रहा है कि एडिटिंग नहीं हो। इतनी धूप में ना कुछ भी शॉपिंग नहीं हो पाता, शॉपिंग थोड़ा सा छाँव रहता है ना तो वही अच्छा लगता है, कर पाते हैं ये है। और हस्बैंड ने झगड़ा कर रहे हैं, उस दिन आए थे कितने खुश होके, मतलब हम थैंक यू जो सब बोल रहे थे, आज तो झगड़ा ही कर रहे हैं बस। हम झगड़ा भी कर रहे हैं इसलिए झगड़ा कर रहे हैं कि तुम अपने लिए नहीं ली है, ले लो तुम अपने लिए ले लो, और हम बोल रहे हैं हम नहीं लेंगे, क्या करना, इसलिए झगड़ा कर रहे हैं। हस्बैंड के लिए शॉपिंग की हूँ, बैचलर के लिए शॉपिंग की हूँ, बैचलर का शॉपिंग जांच की हूँ, बहुत महंगा पकड़ा गया कपड़ा, इस वजह से हस्बैंड का मूड ऑफ हो गया। मूड ऑफ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा बहस कर लिए थे, अच्छा नहीं लगा ये सब चीज़ें। हमें मेरा कहना है कि आपको लेना है करो, नहीं लेना है तो बहस मत किया करो, ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ? देख रही है? देख ली है। पसंद आया? पसंद तो आया, कलेक्शन है इनके पास थोड़ा सा, लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है। मेरी वीडियो को बेटी क्या की है, क्या की, पूरा बाल निकाल दिए। बताओ सुबह से कितना टाइम हो रहा है? टाइम तो हो गया बहुत, 7 बजने वाला है। हो गया, कौन सा पसंद हुआ? ये दो सारी पसंद किए। कौन सा साड़ी कहते हैं इसको? सिल्क है। सिल्क। उनसे पूछिए बताएंगे ज़्यादा। कौन सा साड़ी बोलते हैं? सिल्क है, मिक्स सिल्क होगा मतलब? नहीं सर, इधर हैंडलूम सिल्क बोलते हैं इसको। हैंडलूम। कर्नाटक बेंगलोर में ना सिल्क और बनारसी के लिए ज़्यादा होती है। इतना सारा शॉपिंग हो गया, देखिए वैष्णवी और आधा गाड़ी फुल हो चुका है। इतना शॉपिंग हो गया, इतना शॉपिंग हुआ आज की, पापा का भजिया उड़ा दिए बिल का। चले 2000 years later दादा दादी के साथ। बाबू
अच्छे बन गए भी इसने भी की तो Two thousand years later. और दिखाती हूँ सामान कितना सारा आया है, क्या बताऊँ आपको। ये इतना बड़ा बड़ा देख रहा है, और ये सब ब्रांड का जो आया है ना, इतना महंगा महंगा सब दिख रहा है। सारे ये सारे शॉपिंग करके अभी आई हूँ लेके, और वैष्णवी को दिखाती हूँ। आज वैष्णवी के दादा दादी दोनों आए हुए हैं। है देखिए नीचे, तो ये है जो ड्राइवर को मैं जो गाड़ी बुक करती हूँ ना, उनकी वाइफ भी आई है। मैं उनको भी ऊपर बुलाई लेकिन वो ऊपर नहीं आए, क्योंकि अभी हम लोग ना जूस पी के आए हैं रास्ते में ही, आपने देखा होगा, तो उन्होंने मना किया, बोला नहीं चाय नहीं पी सकते हैं, तो अभी हम ऊपर जाएंगे भी नहीं, तो इस वजह से नहीं आए। और हमने सबको इनवाइट किया है पार्टी में, पूरी फैमिली को, इनके हम बोले पूरी फैमिली आइएगा, और एक बेटी की उन्होंने शादी कर दी है, हम बोले उनको ही लेके आइएगा, सबको बुलाया था, देखते कौन कौन आते हैं, तो ये बोले कि हम आएंगे, तो फिर आएंगे ऊपर मिलने के लिए। और इनकी छोटी सी लड़की है ना, छोटी वाली लड़की, वो मेकअप वकअप का सब कुछ जानती है, करती भी है। कहाँ रख दिए हम मोबाइल, तीनों ने अब भी बताया मुझे, पहले से नहीं पता था, क्योंकि हमने मेकअप आर्टिस्ट कोई दूसरा बुक करके रखा है। मेकअप आर्टिस्ट यहाँ पे, इस वजह से थोड़ा सा वो हो गया। उन्होंने बोला कि आप हमको बोलते तो हम उसे करवा देते, वो अच्छा करती है इनकी लड़की। हम बोले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम, अभी पता चल गया है तो। तो यही है कि हमने मेकअप आर्टिस्ट बुक कर लिया है अपने लिए, क्योंकि हमें उतनी ज़्यादा मेकअप आती नहीं है, पार्टी के हिसाब से ब्राइडल के हिसाब से थोड़े बहुत वो कर लेते हैं हम, तो ऐसा कुछ है। खतरनाक गर्मी लग रही है, और छत पे पूरा फुल करके रखे हैं, इतना सारा कपड़ा आज धोए ना, धोबी घाट बना गई थी, तो पता नहीं जो लोग भी देखे होंगे ना फिर से बोले होंगे कौन इतना धोबी घाट बना दिया है छत पे। ऐसा है, बहुत सारे कपड़े धो लिए थे, और अभी बहुत गर्मी लग रही है, फैन चालू की हूँ मैं, लेकिन बज गए हैं आते आते, कितना हो गया है दिखाती हूँ टाइम, मेरे को 8:30 हो रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, और छत पे जाके सारे कपड़े भी लाना, मैं सोच रही छोड़ दूँ क्या, सुबह सुबह ले आऊँगी, थोड़ा और अच्छे से धूप लग जाएगा। बाकी इतनी आज धूप थी ना, कैसा अचार भी सुखा सकते हैं, दिन भर में 3-4 बार बोल चुकी हूँ, इतनी तेज़ धूप थी। मैंने तो इतना शॉपिंग जो इतना करके आए ना, इतना खर्चा करा दी हूँ हस्बैंड का इस बर्थडे के चक्कर में, कि क्या बताऊँ, बहुत खर्चा करा दिया यार, इतना खर्चा नहीं कराना था हस्बैंड का, बट हो जाती है यार। इसमें से हमने कुछ लोगों के लिए कपड़े उपड़े भी लिए हैं, देखती हूँ क्या करें, और अभी जाके याद आया किसी और के लिए भी मुझे कपड़े लेने थे, वॉचमैन वगैरह के लिए भी हमने सोच के रखा था कि उन लोगों के लिए कपड़े लेके आऊँगी, बट ध्यान से निकल गया, ऐसा है, बट कोई नहीं, देखेंगे अभी टाइम है थोड़ा सा तो देख लेंगे। किसको दिखा रहे हैं आज का शॉपिंग, आ गए हस्बैंड नीचे से पेमेंट करके, हजरत
साली से बतिया आ रहे हैं जिया जी लोगों का क्या होता है ना कि साली से बतिया के ना एनर्जी मिलती है, इसलिए आज थक हार के आए हैं ना तो नीचे से बतियाते हुए आ रहे हैं ताकि फुल एनर्जी मिल जाए। एनर्जी लॉस हो गया ना बेचारे का, तो साली से बतिया के थोड़ा एनर्जी ले रहे हैं। हाँ अभी तुरंत पहुँचे है मम्मा, खाना खिलाएगी दूध मम्मा दूध नहीं है, चलो आओ जा मम्मा दूध देगी दूध। ठीक है फिर मिलते हैं थोड़ी देर से। देखिए दोनों खाना बिक गई है, क्या खा रहे हैं? चावल और क्या बनाया? मंचूरियन नहीं किया था, मंचूरियन तो उसमें था ही नहीं लिस्ट में। क्या हुआ तुमको? हाँ तो हमने खाना मंगाया है और बाहर का खाने के बनाने का इस टाइम मेरा हिम्मत कुछ भी नहीं है, तो ये बैठ के बनाओ। तो हमने राय सिंपल खाना खाने का मन था, रोटी सब्जी चावल ला करके इन्होंने क्या था ना क्या क्या ऑर्डर किए हैं, जीरा राइस किए हैं और कढ़ाई पनीर किए हैं। खुद के लिए दिखाओ क्या किए हो, जो कि देखिए बीन के खाते, पता नहीं मंगाते किस चीज़, जब बीन के ही खाना रहता है। तो तुम्हारा स्पून कहाँ गया बच्चा? तो ऐसा है तो ऐसा कुछ खाने का मन है लेकिन मेरा मूड बड़ा ही अपसेट हो गया है। घर आते आते पूरा दिन भर से अच्छे से शॉपिंग करके आए, सब कुछ मन खुश रहा, सब कुछ ठीक रहा। किसको दिखा रहे हैं? तुमको दिख रहे हैं एकदम। तो ऐसे आओ, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अपसेट है, बहुत ज़्यादा। किस ऐसा हुआ है क्या, इतना सारा शॉपिंग करने के बाद, इतना खर्चा करने के बाद, दिन भर पूरा बिजी रहने के बाद घर आते आते मूड खराब हो गया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा किसी के साथ हुआ है? मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो क्यों हो रहा है वो भी बता देती हूँ। सबका मूड अपसेट हो गया है, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। क्योंकि क्या हम अच्छे से गए घूम घाम के आए, सब कुछ अच्छे से किए क्या रंजीत, लेकिन घर पे सो है ना मेरा, मेरे जो भेगना है दीदी छोटी वाली जो भी ननद है ना वो घर आए हुए हैं ससुराल में, तो उनका जैसे भी छोटा लड़का है मेरा भेगना है, वो लोग शायद मार्केट गए हुए थे किसी काम से और बेटे को घर पे छोड़े गए थे ना, नानी घर नहीं। बेटू क्या कर रही हो? और क्या हुआ कि छत पे वो गिर गया, क्या हुआ भगवान जाने, वो तो वो सुबह बताएगा। वो छोटे हैं अभी 5-6 साल के ही हैं, तो उनका ना आँख के पास ना फ्रैक्चर हो गया, बस यही इतना ही पता चला है कि आँख बच गई है, बाकी यहाँ पूरा गड्ढा हो गया है, इतना ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम है। क्या करिए बेटू, ऐसे मत करना, हो खाना है तो खाओ, नहीं खाना है ऐसे मत करो तुम। अरे गुदू लो खाओ, लेकिन इसलिए इससे तो ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। जैसे घर वाले यहाँ आते हैं ना थोड़ा सा रिलैक्स लगता है हमको भी, चाहे 2 ही दिन के लिए आते हैं ना तो ये रहता है कि हमसे फ्री रहती कभी। तो यही हो गया है कि ऐसा कुछ हो गया है तो सुबह डॉक्टर से दिखाएंगे, फिलहाल अभी इमरजेंसी में उन्होंने रूम पर दिखा दिया है। और अभी मैं देखी फोटो वीडियो का तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कहते हैं ना देखो यार कोई किसी से बात करो ना करो, मेरा ये मानना है भले ही किसी से मत बात करो चलेगा, बट सब लोग खुश रहो और अपनी जगह अच्छे से रहो, मेरा ये मानना है। क्या हाँ ये बात है। तो एक वो घटना घट गई है आज के दिन, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन था यार कि हम गए, जो भी छोटा बड़ा जो भी था ना सारा सामान लेके आए, और बहुत ही दिन भर भागम मैं पूरा ब्लॉग शूट नहीं की हूँ, आप बिलीव नहीं करो। इतना भी टाइम इतना ही परेशान की है ना सही में, मैं जितना मतलब खुश रहती ना, चलो ये पार्टी साथी अच्छे से मनाती है घूमती फिरती थी, इतना ही परेशान करने लग गई है।
ये चलो कम से कम ड्राइवर भी है, थोड़े से फैमिलियर हो गए हैं, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं क्या करें, रखे पता नहीं क्या कैसे करेगी। शकल देखिए, इसलिए आपसे बोलती थी गुस्सा मत दिलाया कीजिए, गुस्सा मत दिलाया कीजिए प्रेगनेंसी में, गुस्सा दिला दिला के दीदी क्या की। गुस्सा हम दिलाते थे देख वैष्णवी, तो तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए ना। यही वही खाना खाने का मन नहीं कर रहा, इतना अजीब सा लग रहा है ना, क्या करे खाना तो है, भूख भी लगी थी। और एक और रिलेटिव है वहाँ पे भी ऐसी घटना घट गई है ना कि वो भी सुन के अच्छा नहीं लग रहा है, वो थोड़ा मिट्टू मिर्ची लगेगा वो। हाँ ना चावल फैला दो जो करना है। अच्छा भी नहीं लग रहा बोलने में, करने में बोल भी नहीं रही हूँ मैं, बस यही है कि भगवान खुश रहो, सबको अच्छे से रखो, और बस इतना ही बोलना चाहूँगी। ये सब चीज़ें ना हमको ना सुनने में देखने में अच्छा नहीं लगता है, बस ये जब भगवान को बुलाना हो करके ना सब कुछ अच्छा अच्छा दिखा दे और दुनिया से लेकर चले जाए, मैं तो खुशी खुशी चली जाऊँगी ऐसे में। ठीक है होता है, मेरा पता नहीं थोड़ा सा माइंड ना अलग टाइप का, मैं ये सब चीज़ देख लेती हूँ सुन लेती हूँ, मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है क्योंकि मैं सुबह से बहुत ज़्यादा खुश थी, आपको पूरा ब्लॉग में दिखेगा, बहुत अच्छी से खुश थी, बहुत अच्छे से शॉपिंग की हर चीज़ की, बट जैसे ही आने का टाइम हुआ तो ऐसी चीज़ें देख ली, ऐसी चीज़ें सुन ली, ऐसी चीज़ें, तो क्या होता है ना माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार वो इतने डिस्टर्ब ऑलरेडी हैं अपनी फैमिली को लेके, अब ये भी सास गई है उनकी, तो इतना ज़्यादा बेटू गिरा मत, और वो थोड़े से माइंड फ्रेश करने के लिए घर आए हैं तो ऐसे ऐसा हो गया, तो यार किसी को भी मन नहीं लगेगा ना, वो लोग भी अपसेट हैं। बेटू तुम्हारे स्कूल कहाँ गया, ये तुम्हारा है, लो अच्छा लो, यहीं पे एंड करती हूँ, तो परेशान करिए, देख ना पूरा फैला दिए, बस यही मेरा दिनचर्या चला जाता है क्लीनिंग करने में, ये करने में, वो करने में। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमने जो भी शॉपिंग करके आई हूँ ना ड्रेस मैं इस ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, मैं ड्रेस जो भी है ना पार्टी वाले ही उसमें दिखाऊंगी, क्या फिर वो सस्पेंस हट जाएगा, इस वजह से हमने ब्लॉग जहाँ पे ड्रेस लिया ना सिर्फ ड्रेस कलेक्ट किया है, हमने ड्रेस कहीं भी नहीं दिखाया है, तो वो आपको पार्टी वाले ब्लॉग में दिख जाएगा। बाकी जो भी सामान लिया हो ना वो सारे आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के डेट में, रेगुलर ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ, बस यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर ब्लॉग बनाऊँ करूँ, बट टाइम देख रहे हैं ना, अब ये जैसे जैसे बड़ी बड़ी है ना, हमको जितना हम सोचते थे ना कि अब अच्छा होगा उतना ही परेशानी बढ़ती जा रही है। ठीक खुश, पूरा कपड़ा चेंज करना पड़ेगा, क्या खाएंगे बिरयानी। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।